रुख करते हैं उधमपुर की ओर। एनआईए ने संभाली देवेंद्र सिंह केस की जांच, पूछताछ के लिए लाया जाएगा दिल्ली। हिजबुल कमांडर नवीद बाबू के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने संभाल लिया है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच अपने हाथों में लेने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देवेंद्र को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। उधर आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आतंकवादी देवेंद्र को चुप कराने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच सौंपी गई है। उन्होंने देवेंद्र मामले को एनआईए को सौंपे जाने को लेकर सवाल किया है और पूछा है कि आखिर इस आतंकवादी को चुप कराना चाहते हैं। और सूत्रों ने भी बताया है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के पत्र का जिक्र सामने आने के बाद देवेंद्र सिंह से जैश आतंकियों के साथ संबंध होने के बारे में भी पूछताछ की गई। हालांकि अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि उसने क्या कुछ बताया है। वहीं नई दिल्ली में राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एनआईए के प्रमुख एक दूसरे मोदी योगेश चंद्र मोदी हैं और उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों और हरेन पांड्या की हत्या की जांच की है, उसकी निगरानी में जांच कराना मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना है और